श्रीमती हरसिमरत कौर बादल जी। शुक्रिया सर। सर, मेरे क्षेत्र में पिछले कुछ समय से किसानों के ऊपर बहुत बड़ी तकलीफ मुसीबत आई हुई है। सर, आप जानते हैं कि कुछ समय पिछले क्रॉप में जब वीट था तो मार्च के महीने में इतनी गर्मी आ गई कि उसका ग्रेन सुकड़ गया, उसकी आउटपुट कम हुई, और जब उसको एक्सपोर्ट करके दो पैसे मिलने थे तो सरकार ने बैन लगा दी। अब सर दूसरी क्रॉप आई है तो बरसात करके इतना बड़ा बाढ़ आ गई है सर कि उधर लगता है कि खेत नहीं, अब वहाँ पे नदियाँ बह रही हैं, उसका सारी फसल खराब हो गई। इससे पहले सर, अब नरमा जो कॉटन क्रॉप है, लगातार 3 साल उसमें बीमारी लग रही है, कभी सुंडी कभी सफ़ेद मच्छर, और इस करके किसानों को पली पलाई फसल को उनको अपरूट करना पड़ रहा है। सर, इस बारी हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री ने सारे किसानों को कहा कि आप मूंगी की फसल आप बीजिए और आपको 7,225 का आपको MSP में सरकार खरीद करेगी, लेकिन इतनी दुख की बात है सर कि मूंगी की 4 लाख टन का जो उनका अब क्रॉप आई है उसमें से 10% भी सरकार ने खरीद नहीं करी और 90% किसानों को MSP के नीचे प्राइवेट प्लेयर्स को 5-6 हज़ार में बेचना पड़ा है। और सर, एक तरफ से बाढ़, एक तरफ से बीमारी, एक तरफ से MSP नहीं, गरीबों के मकान बाढ़ में रोल गए हैं, मजदूरी सारी खत्म होगी, और हमारे मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से देख के किसानों से बिना बात किए उनकी बात तक नहीं पड़ी। अब उनके घरों में मच्छर पैदा हो रहा है, बीमारी फैल रही है, और यहाँ पे हम, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हमारे प्रेसिडेंट सुखबीर सिंह बादल, वो जाके मदद हम लोग कर रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार कुछ नहीं कर रही। आपके माध्यम से मैं सरकार से अपील करती हूँ कि केंद्र इस बारी किसानों की बाँ फड़े, और ये किसान जो देश का पेट पालने का सबसे बड़ा योगदान डालता है, आप पंजाब के किसानों को कोई कॉम्पेंसेशन दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती हरसिमरत कौर बादल जी। शुक्रिया सर। सर, मेरे क्षेत्र में पिछले कुछ समय से किसानों के ऊपर बहुत बड़ी तकलीफ मुसीबत आई हुई है। सर, आप जानते हैं कि कुछ समय पिछले क्रॉप में जब वीट था तो मार्च के महीने में इतनी गर्मी आ गई कि उसका ग्रेन सुकड़ गया, उसकी आउटपुट कम हुई, और जब उसको एक्सपोर्ट करके दो पैसे मिलने थे तो सरकार ने बैन लगा दी। अब सर दूसरी क्रॉप आई है तो बरसात करके इतना बड़ा बाढ़ आ गई है सर कि उधर लगता है कि खेत नहीं, अब वहाँ पे नदियाँ बह रही हैं, उसका सारी फसल खराब हो गई। इससे पहले सर, अब नरमा जो कॉटन क्रॉप है, लगातार 3 साल उसमें बीमारी लग रही है, कभी सुंडी कभी सफ़ेद मच्छर, और इस करके किसानों को पली पलाई फसल को उनको अपरूट करना पड़ रहा है। सर, इस बारी हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री ने सारे किसानों को कहा कि आप मूंगी की फसल आप बीजिए और आपको 7,225 का आपको MSP में सरकार खरीद करेगी, लेकिन इतनी दुख की बात है सर कि मूंगी की 4 लाख टन का जो उनका अब क्रॉप आई है उसमें से 10% भी सरकार ने खरीद नहीं करी और 90% किसानों को MSP के नीचे प्राइवेट प्लेयर्स को 5-6 हज़ार में बेचना पड़ा है। और सर, एक तरफ से बाढ़, एक तरफ से बीमारी, एक तरफ से MSP नहीं, गरीबों के मकान बाढ़ में रोल गए हैं, मजदूरी सारी खत्म होगी, और हमारे मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से देख के किसानों से बिना बात किए उनकी बात तक नहीं पड़ी। अब उनके घरों में मच्छर पैदा हो रहा है, बीमारी फैल रही है, और यहाँ पे हम, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हमारे प्रेसिडेंट सुखबीर सिंह बादल, वो जाके मदद हम लोग कर रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार कुछ नहीं कर रही। आपके माध्यम से मैं सरकार से अपील करती हूँ कि केंद्र इस बारी किसानों की बाँ फड़े, और ये किसान जो देश का पेट पालने का सबसे बड़ा योगदान डालता है, आप पंजाब के किसानों को कोई कॉम्पेंसेशन दीजिए। धन्यवाद। बाबा यामीन बंगाली गोल्ड मेडलिस्ट, तो हड़े शहर च पहली बार अद्भुत शक्ति चमत्कार वेखो। देश विदेश बैठे सानू व्हाट्सएप ते भी कॉल कर सकते ने। कर बैठे 11 मिनट च 101% गारंटी नाल समाधान। वशीकरण ते मुठकरनी दे माहिर, सब तो पहला काम करन दा वादा। नौकरी प्रमोशन कारोबार च परेशानी, घर च झगड़ा, बरकत औलाद कहने तो बाहर होना, कोर्ट केस, तलाक, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, गुप्त रोग, पुराना दर्द, पति पत्नी चंदबन, जादू टोना, मनमोड़ी वशीकरण करवाना जा तुड़वाना, स्वतन दुश्मन तो छुटकारा सदा ले, रुस्से नु मनाना, प्यार मोहब्बत, बाबा यामीन बंगाली, 96435-0321।